फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेंगे। ये है ओप्पो के मोबाइल में, तो यहाँ पर आपको मैं जितने भी स्क्रीनशॉट का तरीका है, इसमें अप्लाई करने वाला, यूज़ करने वाला, वो सभी तरीके आपको मैं बताने वाली हूँ, जिससे मैं आपको चार पाँच यहाँ पर पाँच तरीके तो आपको बताऊँगी जिससे आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आगे से पहले एक बार और कहना चाहूँगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग पर क्लिक करना है। आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग में ऊपर की ओर स्क्रॉल करना है और इस पर क्लिक करना होगा। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। स्क्रीनशॉट में मान लीजिए ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिला है स्क्रीनशॉट, यहाँ है थ्री फिंगर स्वाइप डाउन, ये ऑफ होगा, आपको ऑन कर लेना है। और यहाँ पर आपको थ्री फिंगर टच एंड यहाँ पर होल्ड का ऑप्शन मिला है, पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन इसका इस्तेमाल करना है। पहला है थ्री फिंगर, इस तरीके से आपको स्वाइप करना है। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से स्वाइप करना है, तो ये देखिए स्क्रीनशॉट जो है आ चुका है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और क्रॉप भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट पे क्लिक करेंगे आप, स्क्रीनशॉट सेव हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका टच एंड होल्ड, ये था ना टच एंड होल्ड, ये रहा। आपको नीचे की ओर स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करना है और यहाँ पर स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट का ऑप्शन, ये रहा स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करना है। तो ये देखिए स्क्रीनशॉट आ चुका है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी यूज़फुल सेटिंग है। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, दोनों को एक साथ सेम टाइम में प्रेस करना है। ये देखिए यहाँ पर पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन बटन, ये रहा, एक साथ प्रेस करना है। देखिए सेम टाइम एक साथ प्रेस कर लेना, दोबारा आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए हो चुका। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कर लेना है यूज़। और नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिला है, ये तीनों हो चुका है। और यहाँ पर एक और ऑप्शन मिलता है जिसे आप शॉर्टकट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, आपको इस तरीके से स्वाइप करना है। यहाँ पर इसका आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। आपको अगर यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट का ऑप्शन नहीं मिला है तो आप ऐड कर सकते हैं, इसका प्लस पर क्लिक करना होगा। और प्लस में आपको टूल्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना होगा, यहाँ पर से इसमें ऐड कर सकते हैं आप। अब डन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा स्क्रीनशॉट, इस पर क्लिक करना होगा। अब ये देखिए स्क्रीनशॉट आ चुका है। तो यहाँ से आप सभी तरीके अप्लाई करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको क्रॉप करना है, क्रॉप कर सकते हैं आप इसे, इस तरीके से क्रॉप अपनी मर्जी से जितना आपको क्रॉप करना है तो कर सकते हैं आप। और यहाँ पर मैं बात करूँ यहाँ पर क्रॉप करने की, यहाँ पर शेप्स की बात करें तो आप शेप्स भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। आपको कुछ ड्रॉ करना है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए इतना ड्रॉ में आ जाएगा शेप्स में। तो ये काफ़ी यूज़फुल सेटिंग है फ्रेंड्स, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर शेप ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं और अदर यहाँ पर अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं आप इसे। और यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करेंगे आप, यहाँ पर आपको मिल रहा है, यहाँ पर पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो पेंसिल दे सकते हैं आप। आपको टाइप करना है तो उस पर क्लिक करेंगे आप, इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ये आपको सेटिंग मिल रहा है। एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये सभी एडिट पर पहुँच जाएंगे आप, वही सेटिंग्स सभी आपको आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर पेंसिल, यहाँ पर तो यहाँ पर आपको पेंसिल्स के ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर फिल्टर्स का आपको ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे तो फिल्टर भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फिल्टर का आपको ऑप्शन मिला, ये देखिए कुछ ऐसा आप फिल्टर कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देते हैं, राइट पर क्लिक कर देते हैं, आपको बैक आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपको यूज़ कर लेना है, आप फिल्टर कर सकते हैं। और भी फीचर्स दिया गया जिसका आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, घंटी का ऑप्शन पर क्लिक करना, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।